वेलकम स्टूडेंट्स टू बाउंडलेस एजुकेशन, योर पार्टनर एंड गाइड इन योर साइंस एजुकेशनल जर्नी। गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ये चेक करते हैं बच्चों। व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 हैज इन स्टोर फॉर अस। मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। देयर आर अबाउट ओनली 7 सम्स बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे पास में, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। हमको क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम दिस सेट। ये नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया आपको, 1, 2, 3, इट गोज अप टिल n नंबर्स हैं इसके टू इटसेल्फ। अभी n नंबर्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बच्चों हमको। व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। जैसे अगर मान लो एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक अंदाजा हमको आ जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आर गोइंग टू बी देयर फॉर अ नेचुरल नंबर, देन हम एक अंदाजा लगा पाएंगे। ओके, मान लो इफ द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 which is on two। अब ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर n number of elements थे, हमने क्या कर दिया यहाँ पर सिर्फ 3 elements consider किए हैं। Let's try and simplify this। तो यहाँ पर क्या, if the set has got only 3 elements which is on two। अच्छा, on two का मतलब हमको पता है every element in the codomain will have a pre-image in the domain। तो ये हमको मालूम है, तो क्या हो जाएगा, therefore every element in the codomain will have a pre-image in the domain। ये तो उसका डेफिनेशन हो गया बच्चों। अब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मेरे पास में मैपिंग या पेयरिंग मैं कितने लोगों के साथ में कर सकता हूं पर एलिमेंट के हिसाब से। तो यहां पे रखते हैं एलिमेंट, एक टेबल बना लेते हैं बच्चों। तो एलिमेंट एंड मेरे पास में आएगा नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग्स। साथ में हम करेंगे क्या, मैं इसका एक डायग्राम भी बना लेता हूं बच्चों, ताकि थोड़ा हमको समझने में आसानी आएगी। अब देखो 1, 2, 3 यहां पर भी रखते हैं एंड टू इट सेल्फ बोला है बच्चों, यानी मेरे पास में डोमेन में भी 1, 2, 3, को डोमेन में भी 1, 2, 3 आने वाले हैं। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, अब यहां पर मैं एलिमेंट फर्स्ट यानी 1 को मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। अब कितनी पॉसिबल पेयरिंग्स है, तो 1, 1 की पेयरिंग हो सकती है, 1, 2 की पेयरिंग हो सकती है, 1, 3 की भी पेयरिंग हो सकती है। नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग्स विल बी 3। मान लो 1, 1 हो गया। अब 2 की बात करें, अगर 2 की बात करें तो मेरे पास में इसकी पेयरिंग तो हो चुकी है, 1 की पेयरिंग हो चुकी है, मेरे पास पॉसिबल एलिमेंट सिर्फ 2 और 3 ही हैं। तो 2 and 2 कैन बी पेयर्ड, 2 and 3 कैन बी पेयर्ड। तो यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग्स विल बी 2। और अगर मान लो ये दोनों भी खत्म हो गए हमारे पास में, तो 3 और 3 की ही पेयरिंग बच सकती है। फॉर द थर्ड एलिमेंट आई विल हैव ओनली 1 पॉसिबल पेयरिंग। तो अगर हमने चेक किया, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी इक्वल टू, इसको बस हमको मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, 3 × 2 × 1 दैट इज 6। इसको ड्रॉ भी कर लेते ताकि हमको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा अब हमने क्या यहां पर समझा है। जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 सबके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, पहला 1 का पेयरिंग खत्म कर लेते हैं, यानी 1 कैन बी एक्चुअली पेयर्ड विथ 1 ओनली, 1 कैन ऑल्सो बी पेयर्ड विथ 2, 1 कैन ऑल्सो बी पेयर्ड विथ 3। अब आते हैं 2 की बारी, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास में फॉर द एलिमेंट 2। एक यहां पर हो सकता है एंड मान लो यहां पर हो सकता है एक, और एक 3 की बारी रखते हैं,
पर 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 3 3 खत्म हो जाएगा बच्चों, इसको ऊपर लेके जाते हैं ऐसा। ओके नाउ लेट्स फिनिश इट ऑफ, यानी ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगा, ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगा एंड आई कैन गो, ये नीचे आ गया, इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, यहाँ पर एक हो सकता है, यहाँ पर एक आ गया ऐसा, तो ये नीचे गया, आई कैन टेक दीज टू अप, ये ऊपर जरूर जा सकते हैं, ये टू इधर है हाँ। ओके अब ये वाला बन जाएगा, तो इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, इसको मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ एंड देन 2 3 हो गया, इसको मैं यहाँ लेके जा सकता हूँ, आई कैन कीप 1 1 एंड देन ये 1 3 हो गया, ये दोनों नीचे आ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम 6 ऑन टू फंक्शंस बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग हमारे असली वाले सम के ऊपर। हमने क्या किया था, हमने तो इसको छोटा बना दिया था बच्चों, हमारे पास में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, एक्चुअली तो हमारे पास में n थे, हमने एक एग्जांपल के थ्रू हमको समझ में आया था कि बाबा यहाँ पर अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग्स अगर मुझे जाननी है तो 3 × 2 × 1 करना पड़ेगा जब मेरे पास में 3 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर मान लो मेरे पास में n एलिमेंट्स होंगे, for n elements number of elements and possible number of pairings check करते हैं। जैसे अगर मान लो 1 है 2 है 3 है, ऐसा करते 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 हम लोग second last पे जाएंगे which will be n-1 और लास्ट पे चले जाएंगे विच विल बी एन। अब यहाँ पर एक के लिए यानी फॉर द फर्स्ट एलिमेंट आई विल हैव द नंबर ऑफ पेयरिंग्स विल बी एन, आई कैन हैव एन नंबर ऑफ पेयर्स। मेरे पास सेकेंड एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट इसमें से कम हो जाएगा विच विल बी n-1। थर्ड एलिमेंट के लिए मेरे पास में 2 एलिमेंट्स कम हो जाएंगे n-2। ऐसा करते 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 मैं जाऊं तो यहां पर मेरे पास में आखिरी में 2 ही एलिमेंट्स बचेंगे और मेरे पास आखिरी एलिमेंट के लिए एक ही जगह बच जाएगी। तो देयरफॉर व्हाट यू कैन राइट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी हाउ मच, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, n × n-1 × n-2 × ……… × 2 × 1। और अगर इफ यू रिमेंबर बच्चों ये क्या बन गया, ये बन जाता हमारे पास में n फैक्टोरियल, यानी मेरे पास में जितने भी नंबर रहेंगे उसका फैक्टोरियल मैं निकाल लूंगा, मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं चेक करूँ, आई कुड हैव ईजिली written this, जैसे अगर मेरे 3 ही elements है, I could have easily also written this as, इसको मैं एक अलग तरीके से लिख पाया होता, 3 elements है तो मैं इसको 3 factorial भी लिखा होता तब भी चल गया होता, because 3 factorial is nothing but 3 × 2 × 1 which is 6। तो मेरे पास में जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं उसी का फैक्टोरियल बनने वाला। मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर हमारे पास में n एलिमेंट्स थे तो n फैक्टोरियल आया बच्चों। मार्क दिस सम एज एन इम्पॉर्टेंट सम, ये सम काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने समझी कि अगर ऑन टू फंक्शंस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं या नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, इट इज जस्ट गोइंग टू बी मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, कंसिडर देम एज अ फैक्टोरियल। अगर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ फंक्शंस आर गोइंग टू बी सेम एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फैक्टोरियल। गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों, what has fifth question in store for us, थोड़ा सा बड़ा question दिख रहा है ये। Let A, हमको एक set दे दिया गया है −1 0 1 2, उसके elements भी हैं, set B के elements भी हैं हमारे पास में −4 −2 0 2 and F as well as G are ऐसे functions है वह A to B हमको दिए गए हैं। अब यहाँ पर A to B दोनों के लिए apply हो रहा है, function F के लिए भी और function G के लिए भी, ये दोनों apply कर रहे हैं A to B। आप फंक्शंस डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स भी हमको दे दिया गया है x²-x वेर x बिलोंग्स टू a, जी ऑफ एक्स भी हमको दे दिया गया है 2 मॉडुलस ऑफ x-1 x बिलोंगिंग टू a। वी गॉट टू शो
और चेक एफ एन जी आर इक्वल है या नहीं है, जो हमको दो फंक्शंस दे दिए गए थे ये दो फंक्शंस इक्वल होंगे या नहीं होंगे ये हमें चेक करना है. जस्टिफाई योर आंसर. दे हैव आल्सो गिवन अस अ हिंट. वन मे नोट दैट टू फंक्शंस जो एफ ए टू बी एंड जी ए टू बी सच दैट एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू जी ऑफ ए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है बच्चों, हमको एक्चुअली दे दिया गया है करना क्या है, हमको एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए. अगर ये प्रूफ हो जाए देन दीज टू फंक्शन आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड टू बी इक्वल फंक्शन. तो ये पूरा जो तामझाम है हमको बस चेक क्या करना होगा, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए. अगर ये सबके लिए प्रूफ हो जाता देन दीज टू फंक्शंस आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इक्वल फंक्शंस. चेक करते हैं बच्चों. अब हमारे पास में क्या दे दिया गया था, ए इज गिवन टू अस माइनस वन जीरो वन टू, बी इज ऑल्सो गिवन टू अस माइनस फोर माइनस टू जीरो टू, ये भी दे दिया गया है हमको और ये भी बोला गया है एफ जी ऐसे वाले फंक्शंस होंगे जो ए टू बी ये होने वाले हैं हमारे पास में. एफ ऑफ एक्स भी दिया है, जी ऑफ एक्स भी दे दिया गया है. एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड जी ऑफ एक्स भी हमको दे दिया गया है टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस हाफ माइनस वन. बोथ x belongs to a, x belongs to a यहां पर है. अब हमको चेक क्या करना है, here these functions will be equal functions only if अभी हमको दे दिया गया था f of a which is equal to g of a. अगर f of a इज इक्वल टू जी ऑफ ए आ गया सबके लिए, वेर ए बिलोंगिंग टू ए और ए क्या है हमारे पास, कौन से एलिमेंट्स हैं, माइनस वन जीरो वन टू. अगर ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए वे ए बिलोंग्स टू सेट ए और उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, माइनस वन जीरो वन टू, अगर मैंने अप्लाई कर दिया हर एक के लिए और दोनों के लिए सेम आ जाए तब हम बोल सकते हैं दैट दीज टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आर गोइंग टू बी एज इक्वल फंक्शंस. तो एक जल्दी से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, सम बड़ा इजी है. लेट्स चेक बच्चों, फॉर ए बीइंग माइनस वन एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अब ये क्या बन जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन. लेट्स बी वेरी केयरफुल विद द नेगेटिव साइंस. यहां पर हमको ये नेगेटिव साइन दिया था वो बीच में आ गया, एक्स का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा. ओके, तो माइनस वन का स्क्वायर विल बी प्लस वन, माइनस इनटू माइनस इज गोइंग टू बी प्लस वन, प्लस वन इज गोइंग टू गिव मी टू. एंड जी ऑफ एक्स भी चेक करते हैं. जी ऑफ एक्स क्या था, ट्वाइस मॉडुलस वन अपॉन यानी एक्स माइनस हाफ माइनस वन. चेक करते हैं ये भी मॉडुलस. अभी x क्या बन गया मेरे पास में, यहाँ पर वैल्यू ऑफ a क्या था, माइनस वन माइनस हाफ माइनस वन. चेक करते हैं ये क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों. ये जाएगा इसके साथ में माइनस टू माइनस वन माइनस वन विच इज गोइंग टू गिव मी टू. माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री अपॉन टू माइनस वन. ये जब मॉडुलस से बाहर आ जाएगा तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा बच्चों. यहाँ पर बन जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू का प्लस बन जाएगा माइनस वन. तो वैसे के वैसा टू टू कैंसिल हो गया, थ्री माइनस वन इज ऑल्सो गोइंग टू गिव मी टू. तो मेरे पास में एफ ऑफ एक्स जो था यहाँ पर एफ ऑफ ए बोल सकते हैं हम लोग, वेर ए वॉज इक्वल टू माइनस वन. और यहाँ पर ये जो जी ऑफ एक्स आया, ये जो जी ऑफ एक्स आया ये भी मेरे पास में क्या बना, टू बन गया विच वॉज जी ऑफ ए. यानी हमने ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो प्रूफ कर दिया कि यहां पर एफ ऑफ ए जी ऑफ ए, यहां पर भी टू मिला यहां पर भी टू मिला बच्चों. तो हमारे लिए व्हेन द वैल्यू ऑफ ए वॉज इक्वल टू माइनस वन एफ ऑफ ए वॉज टू जी ऑफ ए वॉज टू, दोनों फर्स्ट एलिमेंट के लिए सेम आ गए. ऐसे ही हमको हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना होगा बच्चों.
My next value of A will be 0, then I will consider it as 1, then as 2. Check karte hain sabke liye. Let's go one by one. For A which is equal to 0. Ab 0 humne consider kiya. F of A जो हमारे पास में था, इसको अपन ऐसा भी ले सकते हैं, जो बन जाता मेरे पास में F of X क्या दिया था, X square minus X. तो मेरे पास में यहाँ पे क्या था, यहाँ पर X के जगह पे A डाल दूँगा, A का value तो 0 है, तो this becomes 0 square minus 0, तो ये तो 0 बनने वाला है. इसको equation number 3 बना देते हैं, check करते रहते हैं. Then G of A, जिसको G of X के हिसाब से हम लोग check करने वाले थे, which was 2 x माइनस हाफ, मॉडुलस में आ रहा था, माइनस वन तो बाहर था. अब चेक करते हैं 2, अभी x का वैल्यू यहां पर a था और a का वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस हाफ माइनस वन, चेक कर लेते हैं इसको. अभी 0 माइनस हाफ तो माइनस हाफ बच जाएगा, माइनस वन. जब मॉडुलस से बाहर आएगा ये, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 2 2 गेट्स कैंसल्ड ऑफ, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा. यहां पर भी हमको क्या मिल गया, f of a 0, g of a is also 0. तो यहां पर ये फॉर एवरी सेट हम लोग ना लिखते जाएंगे बच्चों, ताकि हमारे पास भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. therefore f of a will be equal to g of a for a equal to 0. यहां पर भी जो हमने पिछला किया था उसके अंदर भी ये मेंशन कर देते हैं बच्चों कि your f of a is equal to g of a for a equal to minus 1. दो टर्म्स के लिए बच्चों अभी हो गया, f of a is equal to g of a, a का वैल्यू जब minus 1 था, एंड हमने ये अभी अभी जस्ट प्रूव कर दिया कि f of a is also equal to g of a when a is equal to 0. अब चेक करते हैं थर्ड टर्म के लिए भी बच्चों, क्या हमारे पास में नेक्स्ट टर्म जो था मेरे पास में उसका वैल्यू क्या था, 1 था. For a is equal to 1. Okay, f of a check करते हैं, जो f of x के अंदर हम value substitute करने वाले हैं, x square minus x. अब a का value 1, 1 square minus 1. Again, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 square will be 1, 1 minus 1 is going to be 0. Equation number 5. And g of a, ये भी check करते हैं, g of x के हिसाब से करने वाले थे इसको, 2x minus half minus 1. अब क्या हो जाएगा, x के जगह पे a डाल दो, a का वैल्यू तो 1 है, 1 minus half minus 1. चेक करते हैं इसका LCM निकालते हैं बच्चों, 2 1 will be 2 minus 1 upon 2. यहाँ पे सिर्फ LCM निकाल रहे हैं बच्चों हम लोग, ये अगर हमने ऐसा भी समझा तो भी चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1 is 2, 1 1 is 1. तो 2 2 minus 1 is going to give me 1 only minus 1. अब ये क्या बन जाएगा, ये जब बाहर आएगा ये तो पॉजिटिव ही है, तो चक्कर कुछ नहीं होने वाला, ये भी गया, ये भी गया, 1 minus 1 is going to give me 0. तो हमको क्या मिला, हमको मिला therefore g of a will be 0. तो यहां पर मेरे पास में f of a भी 0, g of a भी 0 मिल गया वापस से. तो लिख लेते हैं, therefore f of a will be equal to g of a for a equal to 1. थर्ड वाला एलिमेंट के लिए भी ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे 0 के लिए भी आ गया था वैल्यू, a ने equal to 1 के लिए भी, f of a is equal to g of a, और पहला वाला when a was equal to minus 1, when a was equal to minus 1 तभी भी f of a was equal to g of a. अब आखिरी वाला वैल्यू चेक करते हैं, for a equal to 2, क्या ये f of a और g of a सेम, अगर हो गए then they will be considered to be equal functions. For a equal to 2, f of a, जो मेरे पास में f of x के अंदर value substitute करने वाले थे हम लोग, f of x क्या था, x square minus x, अभी x के जगह पे a, a का value 2, 2 square minus 2, 4 minus 2, which is going to give me 2 only, and g of a, जो g of x के अंदर value substitute करने वाले हैं, तो 2 बाहर आएगा, x minus half minus 1, x की जगह पे a, a का value 2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 minus half
माइनस वन। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, टू टू जाइज फोर माइनस वन अपॉन टू। आई एम होपिंग ये समझ में आ रहा है, ये एलसीएम निकाला, टू टू जाइज फोर और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो वन होता है, वन वन जाइज वन ओनली, तो टू ये बन जाएगा थ्री अपॉन टू माइनस वन। एंड जब इसको बाहर निकालेंगे, ये तो पॉजिटिव ही है हमारे पास में, टू टू विल गेट कैंसल्ड ऑफ। क्या बचा? बच गया थ्री माइनस वन विच इज ऑल्सो इक्वल टू टू। अब ये इक्वेशन नंबर क्या था, लेट मी चेक, आई थिंक छः हो गए थे हमारे पास में, सेवेंथ एंड एट्थ वाला, यहाँ पर जी ऑफ ए भी सेम सेम हो गए सेवेंथ और एट्थ के हिसाब से। यर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर ए इक्वल टू टू। तो हमने सब के लिए प्रूव कर दिया बच्चों, अगर हम चेक करें दोबारा से सारे इक्वेशंस, अगर हमने चेक किया एफ ऑफ ए वॉज इक्वल टू जी ऑफ ए जब ए का वैल्यू माइनस वन था, वेन ए का वैल्यू वॉज जीरो, वेन ए का वैल्यू इज वन, एंड नाउ वेन ए का वैल्यू इज टू, ये दोनों सेम हो गए। तो दीज फंक्शंस आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड टू बी इक्वल फंक्शंस। फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, जो भी डाउट्स है आपके प्लीज मेल मी ऑल योर डाउट्स। टिल देन स्टडी स्मार्ट स्टडी हार्ड। Thank you so much, students, for studying.